हमको तो लग रहा है सबसे अच्छा जो रोड है इसी को बनाया जाएगा। देखिए अब यहाँ से जो है पंच कोसी परिक्रमा मार्ग, देखिए एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ से भी डक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इधर के साइड देखिए ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे और पंच कोसी परिक्रमा मार्ग पे भी कोसी? और यहीं से ये अलग हो जाता है, 14 कोसी इधर के साइड जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं वहाँ तक बूथ नंबर 4 तक। ये चीज़ सही है यार, इसमें देखो कैसे जाएगी गाड़ी। देखिए जय श्री राम दोस्तों, ये है परिक्रमा मार्ग की पार्ट 2 वीडियो। जैसा कि हमने बोला था आज ही के डेट में आपको हम दोनों वीडियो दिखाएंगे। और अभी हम खड़े हुए हैं सरयू पुल के ऊपर जो कि पुराना पुल है, और आपको चीज़ें दिखा रहे हैं क्या चीज़ कितनी अपडेट है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर। तो अभी आपको दिखाते हैं अगल बगल चीज़ें क्या चीज़ कैसे है। तो ये देखिए ये है पुल दोस्तों, यहाँ पर ये है घाट, और इधर भी देखिए साफ़ सफाई बिल्कुल की जा रही है, सब नगर निगम की ओर से लगे हुए हैं सफाई कर्मी। और 26 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगेगी। शाम को 3:11 से स्टार्ट होगा। और देखिए जो परिक्रमा आता है वहाँ से दूर से जैसे किनारे किनारे ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे ऊपर की साइड आता है, और कुछ लोग जो है उधर ही से राम की पैड़ी से होते हुए लता मंगेशकर चौराहे की ओर उधर से आगे की ओर अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। तो अभी हम चलेंगे इधर से, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे क्या चीज़ कैसे मतलब तैयारियाँ हो रही हैं। तो अभी आप मौके की सी इधर सब देख सकते हैं, उस पार चलते हैं थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल पुल पे जो है लाइट्स वगैरह ये सब लगाई गई हैं। इस पुल पे बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं, छोटी गाड़ियों का आवागमन है। देखिए इधर की स्थिति क्या है, ये पूरा प्लास्टिक जैसा ये लगाया फ्लोटिंग मतलब इससे करता रहता है। अब गाड़ियाँ जो है उधर की ओर से जाती है उस वाले पुल पर, आपको दूर अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए मंदिर महाराज। तो चलिए चलते हैं इधर के साइड, आपको दिखाते हैं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का अपडेट देते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाइक घुमाते हैं अपनी। तो यहाँ पुल पे आने का सिर्फ यही मतलब था कि आपको थोड़ा सा ऊपर से दूर से दिखा सकूं। अभी देखिए ये बालू वगैरह जो है दोस्तों, जैसा कि अभी आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, बिल्कुल रोड पर छिड़का जाता है। देखिए ये सामने जो मार्ग जहाँ पे ये बोर्ड लगा बैरिगेटिंग, यहीं से परिक्रमा ऊपर की ओर आता है, चढ़ता है, फिर इधर से ऐसे ये आगे की ओर जाता है। जैसा कि हमने बताया कि 15 से 20 लाख इस बार आने की उम्मीद है श्रद्धालुओं की। देखिए दीपोत्सव के दिन कितना अच्छा सजा हुआ था सारी चीज़ें, अगर दीपोत्सव का आपने अगर वीडियो देखा होगा तो। और इधर ये पूरा राम की पैड़ी, बहुत टाइम पहले दोस्तों जो था ये बिल्कुल इधर ही से सरयू नदी इधर ही से बहती थी, ये तो बाद में ये सब इधर के साइड ये निर्माण किया गया है। अब देखिए ये सामने लता मंगेशकर चौराहा, अब देखिए कुछ लोग जो है इधर से होते हुए फिर इधर के साइड आके निकलते हैं। अब इधर से हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं चीज़ों को। ये देखिए लता मंगेशकर चौक, सरस्वती जी की इतनी भव्य बीड़ा लगाई गई है, अधिकतर आपने देखा होगा। चलिए इसी बहाने आपको इसका भी अपडेट मिल गया होगा, ये धर्मपथ का काफ़ी अच्छा मतलब इसको भी देखिए, हमको तो लग रहा है सबसे अच्छा जो रोड है इसी को बनाया जाएगा। देखिए अब यहाँ से जो है पंच कोसी परिक्रमा मार्ग भी और 14 कोसी परिक्रमा भी साथों साथ मतलब मार्ग है, जो कि पंच कोसी परिक्रमा मार्ग जो है 22 तारीख से स्टार्ट होगा। मतलब जहाँ से हमने अगर फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, जहाँ से हमने दिखाया था कि यहीं पे मिलता है, वहाँ से पूरा का पूरा साथों साथ पंच कोसी परिक्रमा मार्ग होता है। इधर ये रामकथा संग्रहालय जिसमें अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और इसमें वो चीज़ रखा गया है जो कि राम मंदिर के खुदाई में अवशेष निकले हुए थे। देखिए ये सब अभी बिल्कुल इधर की लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं क्या है इस 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अपडेट के साथों साथ, जो कि ये है दोस्तों धर्मपथ मार्ग। अब देखिए दोस्तों पंच कोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग इधर ही से ऐसे टर्न हुआ है राइट साइड की ओर, हम चलते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे त्यौहार ही रहता है।
देखिए इधर तो एक दिक्कत ये है कि फोर व्हीलर को तो एकदम अलाउ ही नहीं करते हैं। आप देखिए ऐसे परिक्रमा इधर के साइड घूमता है। आप देखिए ये सब लाइन से कैसे उधर ये चौड़ा हो गया, वो वाली बाउंड्री उधर कर दी गई है। इधर भी देखिए ये सब लाइन से एकदम टूट गया है। बहुत ही जल्दी अब इधर का काम स्टार्ट होने वाला है। जो चीज़ दोस्तों उचित होगा उसको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाह रहा हूँ। अब देखिए एक चीज़ दोस्तों, आपको यहाँ सब ये डक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इधर के साइड देखिए ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पे भी। अब सोचिए दोस्तों ऐसे इतना चौड़ा ये मतलब किया जा रहा है। सही है, इसका भी काम अब तेज़ हो गया है। देखिए कैसे मतलब ये एक अलग मतलब पहचान बन जाती है कि बस इसके बीच में कितना एरिया रहेगा रूट का। अब इधर से ऐसे ये घुमा हुआ है राइट साइड की ओर, जिधर जिधर मैं चल रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो है सब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। तो आप तैयारियां भी देखते जाइए दोस्तों। ये देखिए बालू वगैरह यहाँ सब डाला गया है जहाँ जैसी ज़रूरत। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, पूरा का पूरा देखिए कैसे ये जो खम्भे हैं जैसे करंट वगैरह ना लगे तो इस पर ये पन्नी की तरह ऐसे बांधा गया है। देखिए यहाँ सब ये बिल्कुल डालने का काम चल रहा है बालू को। तो आपने थोड़ा सा देखा वहाँ पे मार्ग का भी निर्माण कार्य स्टार्ट है। अब ये कुछ दिन तो ये निर्माण कार्य बाधित रहेगा जब तक परिक्रमा ना बीत जाए। अब इसको बनने में देखो टाइम लगेगा, क्योंकि भाई ये तो 42 किलोमीटर पूरा लंबा बनेगा और काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा कितना अंदर अंदर मतलब बना हुआ है ये परिक्रमा मार्ग, मतलब गया हुआ है अंदर अंदर। अब यहाँ क्या हो रहा है भैया? अभी देखिए जिसका जिसका जो मतलब था नाप में वो अपना सब पीछे कर ले रहे हैं। हम आपको दोस्तों दिखाएंगे जहाँ से 5 कोसी और 14 कोसी इधर के साइड मार्ग अलग होते हैं। देखिए 5 कोसी परिक्रमा मार्ग यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इस साइड की ओर देख सकते हैं क्या तैयारियाँ हो रही हैं। ये पूरा जो इधर के साइड जो है इसमें पूरा पत्थरों की नक्काशी होती है जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर में लग रहा है। कार्यशाला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय। देखिए श्री राम जन्मभूमि न्यास। देखिए जिस जिस पोल में डर है कि इस पे करंट आने का डर है तो उसमें इसमें देखिए ये प्लास्टिक लगाया गया है। इसमें देखिए जैसे ऊपर ये वायर गया हुआ है तो इधर देखिए रेड कलर का लगाया गया है। अब इधर सब ये सब जो बिल्कुल बना है ये बैठने वाला ये सब सब बिल्कुल टूट जाएगा ये इस चौड़ीकरण में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में। देखिए जिस पोल पे डर है सब पे ये लगाया गया है। अब इधर से देखिए निर्माण कार्य भी इसी में हो रहा है। अब वहाँ वो क्या चीज़ हो रहा है भाई? ये देखिए इस तरीके से कुछ मतलब जैसे बनाया जाए जो श्रद्धालु आएंगे उनको रुकने ठहरने के लिए कुछ ऐसा ही है ये चीज़। चलो सही है, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से कुछ निर्माण कार्य मतलब जो हैं ये बड़े बड़े डक्ट के हो रहे हैं दोनों ही साइड आप देख सकते हैं। और ये बैरिगेटिंग कर दी गई है कि कोई उस पार ना जाए। और इधर सब आप देख ही रहे हैं ये बिल्कुल जो लाइट लगाई गई हैं बड़ी बड़ी लकड़ी गाड़ कर। देखिए यहाँ सब काम किया भी जा रहा है। अभी देखिए पूरी की पूरी उसी की तैयारी हो रही है। देखिए ये बिल्कुल पानी से छिड़काव किया गया है। अब देखिए कुछ काम आपको इस जगह पे दिखेंगे इधर के साइड।
तो इसका भी निर्माण कार्य जो है बहुत तेज होगा। अब हमारे साइड जो है जनौरा की तरफ कुछ अभी एकदम आबादी बाकी है, उनके आवास नहीं टूटे हैं, घर नहीं टूटे हैं, तो भी बहुत जल्दी टूटने लगेंगे। देखिए इधर के साइड ये बनाया गया है, सरिया जो है खड़ी की गई है नाला बनाने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बोर्ड पे दर्शाया गया है 14 कोसी पैकमार दर्शन नगर, इधर के साइड लिखा हुआ है। तो 14 कोसी इधर कट जाएगा, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, और 5 कोसी पैकमार सीधे जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था, जैसे एकदम अचानक से नीचे ढलान है, तो यहाँ पे ये लगाया गया है सपोर्ट के लिए, मतलब कोई उधर ना जाने पाए। अब देखिए दोस्तों के ये यहाँ से ये है हलकारा का पुरवा, इस एरिया का नाम है जगह का। अब यहाँ से 14 कोसी पैकमा मार्ग ऐसे टर्न है। देखिए श्री राम की पैड़ी आगे, हनुमानगढ़ी आगे, राजघाट भी आगे, 5 कोसी पैकमा यहाँ से आगे, फिर जाके जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा किस जगह पे मिला था ये 14 कोसी 5 कोसी, और यहीं से ये अलग हो जाता है, 14 कोसी इधर के साइड जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं वहाँ तक, बूथ नंबर 4 तक, फिर अपने वीडियो को भी वहीं पे एंड करेंगे। लगभग आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर की अपडेट मिल गई होगी। देखिए रॉड जल भी रहे हैं, टेस्ट किया जा रहा है, और इधर इंजीनियर लोग अपना काम भी कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे रोड ख़राब है वहाँ पे ऐसे ये बालू डाला गया है। देखिए हर साल ऐसा ही होता है। अब जैसा कि आपको पता है ये 14 कोसी पैकमार्ग क्यों किया जाता है, जैसे कि जितने पाप होते हैं पुनर्जन्म के वो सब कट जाते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम अपने बचपन में इन्हीं सब गलियों से खेले कूदे इधर सब आए गए, तो इस वजह से भी बहुत ही खास है, और भी कई सारी मान्यताएं हैं। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं अयोध्या नगरी में कर पा रहा हूँ, इधर उधर आ जा पा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ये है बूथ नंबर 4, सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट पूरे अयोध्या क्षेत्र का। अब देखिए यहाँ से ये मार्ग जो है बंद कर दिया जा रहा है इस जगह से, ये NH 27 है, इधर से सीधा हाईवे आप लता मंगेशकर चौराहे चले जाएं जहाँ पे हमने आपको दिखाया था। अब इधर ही से पैकमा ऐसे घूम के फिर नीचे से पुल के उस पार जाता है, चलिए उस पार चलते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ जो है बालू डाला गया है, ये चीज़ सही है यार, इसमें देखो कैसे जाएगी गाड़ी। देखिए कैसे किया जा रहा है ये सब निर्माण का पूरा का पूरा। तो अब देखिए इधर से ये मार्ग जो है चला जाता है सीधा आगे के साइड सूरज कुंड के तरफ, जो कि हमने अभी रिसेंट में ही आपको अपडेट दिया होता। काफ़ी इधर ही से घूमते घूमते पूरा एकदम जनौरा के साइड निकलता है। तो हम ये वीडियो को यहीं पे एंड करना चाह रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।